روٹھم آش یم سن ست مے اسم یت دلس سوئی مے روٹھم آش یم سن ست مے اسم یت دلس بنت رسلیو کچ روٹھک ون کمو من ناوینے گست دسیے لال مسا دورے مچھورے अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान गज़ाला निसार। नाजरीन, वादी कश्मीर को सदियों से सूफी संतों, ऋषि मुनियों और अल्लाह की वलियों की सरजमी से नवाजा गया है। यहां कई बुलंद पाई रूहानी पेशवा और बुजुर्गान दीन पैदा हुए हैं। इसके अलावा यहां आला और बुलंद दर्जे के शायर भी पैदा हुए हैं। रसूल मीर भी इसी कारवां का एक ऐसा ताबिंदा चमकता सितारा है जिसका कलाम हर दौर के लिए मशाली राह होगा। रसूल छ जानित दीन मजहब रख्त जुल्फ चैन रसूल छ जानित दीन मजहब रख्त जुल्फ चैन कवजान क्या गो कुफर तई इस्लाम निगारो। जॉन कीटस का खिताब हासिल करने वाले सोफी शायर रसूल मीर का आबादी मस्कन शहबाद डूरू में वाका है। रसूल मीर आला और बुलंद दर्जे के शायर थे जिन्होंने अपने खूबसूरत कलाम के जरिए कश्मीर की खूबसूरती को न सिर्फ चार चांद लगा दिए बल्कि इसे पूरी दुनिया में मुतारिफ कराया। रसूल में नाज किताब ये बन नहीं चानी गमई रसूल में नाज किताब ये बन नहीं चानी गमई आसि कस्ताब जवाब चा मोई जामी जमई। रसूल मीर शहबादी को इश्किया शायरी का इमाम समझा जाता है। रसूल मीर ने कश्मीरी गजल गोई को एक नया रंगो आयंग दिया है। उस जमाने में सोफियाना शायरी को ही पसंद किया जाता था और अक्सर शुरा अपनी शायरी में आरिफाना कलाम को ही तरजीह देते थे क्योंकि लोगों का मिजाज ही वैसा बन गया था। रसूल मीर ने आम रविश को छोड़कर कश्मीरी शायरी को तसव्वुफ के रिवायती इजहार से निकालकर रूमी के रंग में रंग दिया। महकमा आर्ट एंड कल्चर और वेरीना डेवलपमेंट अथॉरिटी हर साल रसूल मीर की याद में एक महफिल का इनेकाद करते हैं। इस मौके पर रसूल मीर की याद में दौरे हाजिर के गुलकार उनकी गजलों को गाकर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। मीर साहब दूर शहबाद के मरूफ ताजर बस्ती सुपोरा में पैदा हुए। वो अपने शहर में कहते हैं मिरमादान आसन गरिए लो। मिरमादान और डूरू मिरमादान सुपोरा तक एक ही बस्ती मानी जाती थी उन दिनों क्योंकि आबादी बहुत कम थी। इतनी डेंसड आबादी गुंजान नहीं था कस्बा तो वहाँ उस उनका जन्म हुआ है। मरूफ मीर ख़ानदान के वो चश्म कर चराग थे तो इब्तदा में उनको मकतब में दाखिल किया गया जैसा कि उन दोनों का दस्तूर था। इब्तदा से ही उनके उनकी शख्सियत ऐसी दिखाई देती थी कि वो बहुत ही फहम फरासत से बात करते थे। वहाँ के प्रायर मजलिसों में जो मॉर्निंग असम्बली होती है सुकूनों में मकतब में वहाँ भी वो बच्चों के सामने आगे आते थे और कुछ न कुछ कलाम वो या मुनाजात जो होता है स्कूल में प्रेयर वो उसमें शमूलियत करते थे। उन दिनों चूंकि लोगों में बहुत ही ये शोर पैदा हुआ था कि असल में खदमत के सर्विस जो है खदमत लोगों की करने की तरफ ध्यान दो ताकि जो असल में वैल्यूज़ होते हैं उन की तरफ आबियाबी हो सके।
तो इस पस मंज़र ने मैं उन्होंने यहाँ आँख खोली और तहजीब तमद्दन की तरफ उनका ध्यान चला गया। वो पहले से ही इश्क की शायरी, इश्क इलाही, इश्क मोहम्मदी से वो सरदार थे, मगर साथ साथ वो दूसरे मज़ाहिब का भी एहतराम करते थे और मुताला करते रहे, जिस वजह से उनकी शायरी जो है उसमें ऐसी झलक नज़र आती है। उन्होंने बहुत लिखा था मगर अक्सर कलाम उनका तलफ हुआ है। कहते हैं वो कलमी जो उनका था, जबा निगार एक लिखी थी उसने किताब, जो वो कहता है अपने शायरों में, जबा निगार मैंने लिखी है तो मगर बाद में वो नज़र ना आई कहीं। मीर साहब असल में तमाम मज़ाहिब का मुताला करते थे, उन दिनों मकतब में पढ़ाते थे, मकतब टीचर होता था, हिंदी टीचर होता था, अरबी टीचर होता था, तो उसकी तरफ वो मेहनत भी करता था। इसी वजह से उसकी शायरी में झलक है इंसानियत की। आज हमने एक छोटी सी कोशिश की थी कि रसूल मीर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि रसूल मीर के बारे में हम कितना ही कुछ कहे या लिखे तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि रसूल मीर वैसी ही शख्सियत रहे हैं। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दीजिए अपनी मेज़बान गज़ाला निसार को इजाज़त, खुदा हाफिज़। This is Kashmiri Dar Headquarters and you're watching Kashmiri Dar.